जी कैफ सेवन आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 66। आज हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अब आखिरी चैप्टर, चैप्टर 12, वाइंडिंग अप। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 11 के एमसीक्यूज हमारे पेंडिंग थे, याद है आपको? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपसे इसको डिस्कस कर लें, वरना भूल जाएंगे कंसेप्ट समय। आप नहीं माने, आपने कहा नहीं सर, अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं फिर एमसीक्यूज। चैप्टर 11 के एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 फॉर ए पीरियड ऑफ एट लीस्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? अल्फा 10 ईयर्स। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स कितने अर्से के लिए मेंटेन करने हैं? 10 ईयर्स के लिए। और जनरल मीटिंग के मिनट्स और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट, या दोनों? बिल्कुल ठीक है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करने हैं एटलीस्ट 10 ईयर, ये ऑप्शन करेक्ट। बी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर दीस बुक्स मे बी कैप्ट एट सम अदर प्लेस बाय द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स। कंडीशंस क्या थी याद है आपको? डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिसीजन करेंगे और रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया जाएगा विद इन 7 डेज ऑफ डिसीजन या विद इन 7 डेज ऑफ शिफ्टिंग? विद इन 7 डेज ऑफ डिसीजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी, बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर्स के डिसीजन से किसी और जगह पे भी मेंटेन की जा सकती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन करेगा? गलत। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कौन करेगा? मेंबर्स कब कर सकते हैं? अगर डायरेक्टर्स या एक्ट या मेंबर्स अलाउ करें। ठीक है, डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करें या मेंबर्स अपनी या एक्ट अलाउ करें, उस सूरत में मेंबर्स, वरना नॉर्मली मेंबर्स बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्टर्स कर सकते हैं, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स करेंगे और अदर ऑफिसर फैसिलिटेट करेंगे। एक्ट कोई रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवा के, एक्ट से मुराद कंपनीज एक्ट, वो कुछ सर्कुलर वगैरह पास कर सकता है कमीशन, या एक्ट के अंदर किसी रिक्वायरमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है। मेंबर अपने आप को रेजोल्यूशन के जरिए अलाउ कर रहे होंगे कि हाँ, आइंदा से हमारे पास भी अथॉरिटी है कि हम भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नेक्स्ट टाइम से क्यों हुई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर। अच्छा, मेंबर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स वो कंडीशनल है, चूंकि यहां पे उसने वो कंडीशन वाली बात नहीं की, तो हम भी सीधी बात करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस, वो तो सबके साथ ही है। तो करेक्ट ऑप्शन हुई ए। फोर, इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग विद इन 6। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट की जाएंगी मीटिंग में? विद इन 16 मंथ्स, विद इन 16 मंथ्स, विद इन 16 मंथ्स। नहीं, कुछ पता ही नहीं है इसको। विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्प, और ये वही पीरियड है, और कोई नहीं बोलेगा, ये वही पीरियड है जो फर्स्ट एजीएम का। एक मिनट, फर्स्ट एजीएम या फर्स्ट जनरल मीटिंग? फर्स्ट जनरल मीटिंग, एजीएम का फर्स्ट जनरल मीटिंग तो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, भूल गए ना, इसलिए मैंने कहा था उस दिन कर ले एमसीक्यू, वरना भूल जाएंगे आप। भूल गए कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और कंसेप्ट है, फर्स्ट जनरल मीटिंग और कंसेप्ट है। फर्स्ट जनरल मीटिंग तो स्टैट्यूटरी मीटिंग को कहते हैं। फर्स्ट जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है। 120 डेज कहां से आ गया? खुदा का होफ करे, 180 डेज कौन लोग हैं, कहां से आ जाते हैं? 180 डेज वाली कहां से आ गई? 180 डेज तो नहीं है। मैं तो उनसे स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइम पूछने लगा था, आपने तो एनुअल जनरल मीटिंग हमें उड़ा के रख दिया। एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम क्या है कंडक्ट करवाने का? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड 120 डेज सब्सिक्वेंट का है। सब्सिक्वेंट का है। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, बता मेरा भाई बता। सब्सिक्वेंट एजीएम कब कंडक्ट करवाई जाती है? विद इन 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड एंड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। स्टैट्यूटरी मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी? Thank you.
अल्लाह वाले लोग हमारी क्लास में। स्टैच्युटरी मीटिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी? विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम, एक मिनट ठहर जा, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर। शाबाश शाबाश। और आपने लफ्ज़ बोला है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो इससे मुझे एक और कंसर्न याद आ गया क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है पब्लिक कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड, ऐसा ही है ना, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर मिलता है। वो कंडीशंस क्या है मेरा भाई? कहा था उस दिन एमसीक्यूज कर लें वरना भूल जाएंगे आप, सारे कंसर्न भूल गए, मुझे याद करवाने पड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन बता भाई, ये किसने याद करना है? बाद में कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं था, ठीक सर्टिफिकेट पढ़ाया होगा, अच्छा पढ़ाया। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन, वो डायरेक्टर, वो सेक्रेटरी, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो पेड इन फुल, वो किधर हुई बातें, ये हाल। तो वापिस आते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर मीटिंग विद इन 16 मंथ्स, यानी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और फर्स्ट एजीएम का, इसी तरह सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सब्सिक्वेंट एजीएम का एक ही पीरियड है। और कंफर्म अभी अभी डिस्कस हुआ है ना, स्टैच्यूटरी मीटिंग का भी हुआ है, फर्स्ट एजीएम का भी हुआ, सब्सिक्वेंट मजाला बता दे, ये मेरा भाई बता, ये भाई भाई आप बता, स्टैच्यूटरी मीटिंग का पीरियड बताओ, ये हाल। पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे, ऐसे नहीं मैंने पहले कह दिया था, ये हाल, ये अभी हाल, अभी अभी बताया, स्टैच्यूटरी मीटिंग का पीरियड बता, मुझे पता नहीं क्लास में क्या करने आते हैं, ध्यान कहीं और है, उठ गई हूँ। आज 3 बजे तक आपको बिठाऊंगा, 3 बजे तक बिठाऊंगा, आप कंसेप्ट सारे भूल आए हैं सारे, हाँ अब आया कर रहा है। विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विच एवर इज अर्लियर, सी सी ऑप्शन। तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 5. एज ए टोकन ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पुट देयर सिग्नेचर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी आल्सो। एक मिनट है रे, लिस्टेड कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल कौन कौन करता है? डायरेक्टर अप्रूवल करता है, 0 नंबर अप्रूवल या ऑथेंटिकेशन डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइन करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डायरेक्टर्स, एट लीस्ट वन डायरेक्टर और लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ। अच्छा एक चीज हमने पढ़ी थी जिसमें अप्रूवल सीईओ ने दी थी और एट लीस्ट वन डायरेक्टर ने दी थी, सीएफओ नहीं था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी, शाबाश, एनुअल रिटर्न थी, एनुअल रिटर्न की अप्रूवल में था, एनुअल रिटर्न की अप्रूवल कौन देता है? चीफ एग्जीक्यूटिव, एट लीस्ट वन डायरेक्टर, याद है? अच्छा लिस्टेड कंपनीज के लिए तो एनुअल रिटर्न रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड के लिए नहीं, ऐसा ही है ना? तो भाई एक मिनट ठहर जाएं, एवरी पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है एनुअल रिटर्न, तो वो जो फॉर्म सी सबमिट नहीं करवाना था वो एक्सेप्शन किसके लिए थी? तो इसका मतलब है सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट कंपनी ने भी एनुअल रिटर्न जमा करवानी होती है, ऐसे तो नहीं मैंने एक्सेप्शन दे दी उधर, कुछ नहीं आज कहा था भूल जाएंगे आप, कर लें उस दिन एमसी, आपने शोर मचाया था नहीं करने कहा था ना, भूल जाएंगे सारी चीजें। अभी फॉर्म आ रहे हैं, ठहर जाएं, फॉर्म भी आ रहे हैं, लिस्टेड कंपनी दोबारा चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाना अब, और लिस्टेड कंपनी के केस में कौन कर सकता है? सीईओ हो गया, एटलीस्ट वन डायरेक्टर हो गया, बाकी कौन रह गया था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड वन डायरेक्टर, उसमें एक ही बंदा होता है वही डायरेक्टर होता है सिंगल मेंबर कंपनी में, और उसकी डेथ हो जाए तो क्या होता है? कहीं पढ़ा था हमने,
सिंगल, एक मिनट ठहरिए जी, बताइए ट्रस्टी पॉइंट होता है वो क्या करता है? लीगल हेयर्स को वो ट्रांसफर कर दे, और लीगल हेयर्स अगर एक से ज्यादा हो स्टेटस चेंज हो जाता है। शाबाश, ठीक है, बच गए इसमें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेवन, अच्छा इसमें तो मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे पूरा यकीन है आप भी हो जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, इस वाले को। अब जो पूछने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स शैल नॉट अप्लाई टू ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, अच्छा एक मिनट ठहर जाए, एक कंसेप्ट था कि कौन सी कंपनीज है जिनके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, जिनका पेड अप कैपिटल, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन हो उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एजीएम से पहले फाइलिंग करवानी होती है और कुछ ने एजीएम के बाद करवानी होती है, एग्रीड ना? एजीएम से पहले फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल, शाबाश। और आपको पता ही है कहां कहां करवानी है? तीन जगहों पे, तीन तीन कॉपीज, तीन तीन जगहों पे, रजिस्ट्रार, एससीसीपी, स्टॉक एक्सचेंज। बाद में फाइलिंग रिक्वायर, बाद में रजिस्ट्रार को जमा करवानी है, किस किस ने? एवरी कंपनी एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियन, ये याद है, अप टू 10 मिलियन। तो इसमें मेरा भाई पीछे चला गया फटाफट, एक मिनट के अंदर अंदर पीछे चला। तो क्या आंसर आया? 10 मिलियन। एक 3 मिलियन वाली भी कोई चीज थी, एक मिनट मैं दिमाग लड़ाना, एक मिनट हरे। अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन है, उसमें था कि उसने ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसने एफिडेविट जमा करवाना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय बोर्ड, ऐसा नहीं था क्या? अप टू 1 मिलियन में तो उसने सबमिट ही नहीं करवाना था। हाँ, शाबाश। अप टू 1 मिलियन, जिस ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन एफिडेविट जमा करवाना है कि हैव बीन अप्रूव्ड। और 10 मिलियन वाली ने फाइलिंग ही नहीं करनी। ये 1 मिलियन और 10 मिलियन याद है आपको? चले ठीक है। तो और 3 मिलियन हमारे पूरे सिलेबस में कहां कहां यूज हुआ? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और एनुअल रिटर्न में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में किस रिक्वायरमेंट में 3 मिलियन यूज हुआ था? जिसका मोर देन 3 मिलियन पेड अप कैपिटल होगा उसके लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट सब रिक्वायर्ड है। और एनुअल रिटर्न में कैसे हुआ? जिसका पेड अप प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल टू 3 मिलियन है, फॉर्म सी जमा नहीं करवाना। ये 1 मिलियन, 3 मिलियन और 10 मिलियन किस किस जगह यूज हुआ है, ये रिविजन हुई कुछ? कुछ समझ आया? चलिए वापिस आ जाते हैं एसएमसीक्यू की तरफ। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, अब फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा है, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, एनुअल रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है? फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है? प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन और हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड, ये तो फॉर्मेलिटी वाली बात है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसकी, क्लियर। एट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी बट दिस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन तक ऑडिट ही रिक्वायर्ड नहीं है, 1 मिलियन से ऊपर ऑडिट रिक्वायर्ड है, लेकिन अप टू 10 मिलियन फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं। आगे चलते,
डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी शैल मेक आउट एंड अटैच टू द अकाउंट्स ए रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। किस रिपोर्ट की बात कर रहा है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा यहां पे कह रहा है एवरी कंपनी, ये कुछ गलत नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ कंपनीज ने रिपोर्ट नहीं भी देनी होती, कुछ कंपनीज ऐसी भी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले खुद तो बताया आपने, डायरेक्टर्स रिपोर्ट हर कंपनी ने सबमिट करवानी है क्या? डायरेक्टर्स रिपोर्ट अलहदा कंसेप्ट है, एनुअल रिपोर्ट अलहदा कंसेप्ट है, भूल गए आप। मैंने कहा था उस दिन कर ले एमसीक्यूज, उस दिन कर लेते 10 मिनट में निबट जाने थे। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में फर्क है। एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी ने सबमिट करवानी है, प्राइवेट कंपनी ने भी, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन वाली ने भी। लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट किन किन कंपनीज ने नहीं करवानी, ये आपको पता ना, क्राइटेरिया बताया था, पब्लिक कंपनी ने करवानी है, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल, इनने करवानी। और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, उसने डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट नहीं करा। लेकिन चलो बहरहाल एमसीक्यूज में उसने कहा माफ कर देते हैं उसको, क्योंकि पूछना है कुछ हमसे और चाह रहा है यहां पर ना, हम उसे कहते भाई तो एवरी कंपनी ना लिख इधर, ठीक है, पूरा क्राइटेरिया है। अच्छा, रिपोर्ट कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर, कौन से? स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट रिकमेंडेड एट डिविडेंड, पर्टिकुलर्स ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड और प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी रिजर्व अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव, तीनों। और ये तीनों वो वाले कंटेंट्स हैं जो एवरी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, जिन्होंने डायरेक्टर्स, डेफिनेटली जिन्होंने डायरेक्टर्स बोर्ड जमा करवानी है। क्लियर? नेक्स्ट 10, रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, वही आ गया क्वेश्चन, ए प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 3 मिलियन। अच्छा बताइए, 3 मिलियन तो पता चल गया, ठीक है, 3 मिलियन की और किस जगह पे यूज होता 3 मिलियन? फॉर्म सी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में और फॉर्म सी में 3 मिलियन यूज होता है। 1 मिलियन कहां यूज होता है? ऑडिट में। और 10 मिलियन कहां यूज होता है? फाइलिंग की एक्सेप्शन में। शाबाश, ये चीजें आपने याद रखनी है, एग्जाम में आपको ये मिक्स करवाएगा। 11, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ ए पब्लिक कंपनी शैल एड्रेस ऑल द मटेरियल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इफेक्ट बिजनेस ऑफ द कंपनी, यस, जो ड्यूरिंग द ईयर जो मटेरियल चेंजेस हो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। बी, एनी अदर कंपनी इन विच द कंपनी हैज इंटरेस्ट, एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज, करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सबको भी मटेरियल चेंजेस इफेक्ट कर रही हो बताएंगे। अच्छा, ये बी में इसका इशारा किस तरफ है भला, किस तरह की कंपनी की तरफ है? ए में तो उसका अपना अपनी कंपनी आ गई ना, बी में एसोसिएट, और सी में, हाँ अच्छा एसोसिएट आपने कहा, तो एसोसिएट से मुझे याद आ गया कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। उसमें सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी। ये मेरा भाई मुझे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता दे, उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? इजी क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन बता दीजिए। ये भाई आप पूछ रहे थे ना, इससे पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम बताएं, शाबाश, पहले सारा याद करके बैठे हैं भाई, हाँ, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या चार लफ्ज थे? इक्विटी, लोन, एडवांसेस, गारंटी। लेकिन इसमें नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट शामिल नहीं है इन्वेस्टमेंट में। एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन बता दे भाई, शरीफ आदमी लगता है, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन बता दे। यार नहीं याद, क्यों नहीं याद करते यार? और यार ऐसे तो बीए नहीं पास होता जैसे सीए पास करने की तैयारी कर रहे हैं आप। नहीं मैंने पढ़ाया नहीं, नहीं पढ़ाया, अच्छा सही नहीं पढ़ाया, सही पढ़ाया होता ना तो आपको याद होता, नहीं सही पढ़ाया, क्या दे क्या सर आपने सही नहीं पढ़ाया, और सही पढ़ाया होता तो याद होता ना आपको, तो सही नहीं पढ़ाया ना, बोल दे, और रिजल्ट के बाद भी तो कहना है दूसरों को, अभी बोल दे, अरे अभी बोल दे, पेपर में बाहर आके कह देगा ये सर ने सही नहीं पढ़ा, बोलना, या मुझे या एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुनाए मेरा भाई, या मुझे ये बोल दे सर आपने सही नहीं पढ़ा, चल बोल दे कोई, मैं माइंड नहीं करूंगा, बोल दे नहीं पढ़ाया ना, हैं सही पढ़ाया मैंने याद नहीं, ये भाई आपसे नहीं कहूंगा, आपने कह भी देना है।
एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो, अगर दोनों कंपनी अंडर सेम है, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे जाके, उर्दू में पेपर हो रहा है, खुद आगा होकर क्यों नहीं याद करते। सिर्फ कंसेप्ट की बेस पे पेपर पास नहीं होता, सिर्फ केस स्टडी नहीं पूछनी, उसने रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी पूछने हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कंसेप्ट की बेस पे आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते। सब्सिडरी नहीं, आसान क्वेश्चन है। सब्सिडरी, सब्सिडरी की डेफिनेशन, घर वाले खुश होते हैं कि बच्चे गए हैं कॉलेज, सीए कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वापस आएंगे, पता नहीं चार सिलेबस खत्म हो गया, आखिरी हफ्ता शुरू हो गया और सब्सिडी पहले चैप्टर की डेफिनेशन भी नहीं याद। अच्छा गुस्से से मुझे देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ भाई बता, सब्सिडी की डेफिनेशन वो तो आपने याद कर ली होगी, देख ली होगी ना अभी, एसोसिएटेड। अच्छा सब्सिडी की सुना दे। कंपनी हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्या यार यही बोला था इसने। अच्छा मैंने बता दे, मैंने कंफ्यूज किया, यानी अपनी होल्डिंग की होल्डिंग बन गई है कंपनी हैविंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। कंपोजिशन को चेंज कर सकती हो क्या, कंट्रोल कर, और लॉ को इजी क्यों लेते हैं, चेंज नहीं है कंट्रोल है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है। कहा था मैंने भूल जाएंगे आप, नहीं किए उसने आपने एमसीक्यूज, उस दिन कर लेते 10 मिनट में हो जाते। आगे चलते हैं, चले तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई, ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन हुई, यानी 12 डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस कंप्लायंस आता ना, एससीसीपी डायरेक्टर्स को कह सकता है कि मेरी कुछ मजीद रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करें और स्टेटमेंट लिखे साइन करके कि आपने उनके साथ कंप्लाई किया है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय द सीईओ एंड डायरेक्टर। शाबाश, ये भी वही बात आ गई ना, सीईओ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट किसने साइन करनी थी, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसने साइन भी करनी थी, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं है भाई, एनुअल रिटर्न पढ़ा, एनुअल रिटर्न पढ़ा, क्या एनुअल रिटर्न भी किसी ने साइन करनी थी, किसने, डायरेक्टर्स ने, सारे डायरेक्टर्स ने, 20 के 20 डायरेक्टर्स साइन करेंगे एनुअल रिटर्न, कौन करेगा, नहीं याद किया, नहीं याद किया। चले बहरहाल इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, सीईओ एंड ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या प्रूव करना था, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 13 हाँ हाँ कुछ 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 एनुअल रिटर्न, हाँ हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई क्वार्ट नहीं, एनुअल रिटर्न होना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज लिखा, एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज लिखा हुआ, नहीं नहीं इसको अंडरलाइन करने, क्लास के बाद मुझे दिखाना, इसको ठीक करेंगे, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट की बजाय एनुअल रिटर्न का लफ्ज होना चाहिए, किसने, आई कैब ने, हाँ क्योंकि आई कैब का छापा मारा ना, मैं कहना का क्लियर कर दो, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ, तो वहां पे क्वेश्चन में अगर कहीं पे एनुअल रिपोर्ट का वर्ड यूज हुआ है तो उसके बजाय एनुअल रिटर्न का वर्ड होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट एनुअल रिटर्न का चल रहा है। 13 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक मिनट ठहर जाए, इनको अप्रूव कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ये हाल है। अच्छा अप्रूवल के बगैर इशू हो जाएंगे, जिसकी मर्जी जो मर्जी इशू, क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन अप्रूव करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, कन्फर्म है आप, अच्छा साइन को, साइन का भी बता देगा, अप्रूवल का बता देना, साइन का भी बता, फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा,
मिक्स हो गया ना, देखा क्या था उस दिन, कहा था उस दिन नहीं माने। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये अलग सरसरी तौर पे आप पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हर ही महीने पढ़ेंगे। फर्स्ट शाबाश, ये स्टूडेंट बताएंगे शाबाश शाबाश शाबाश। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा? है कोई क्लास में माइका लाल जो ये बता दे? हाँ, इसकी अप्रूवल और साइनिंग का रूल वही था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो सीईओ, एटलीस्ट वन डायरेक्टर एंड सीएफओ 30 डे। सेकेंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से जो जो लीगल रिक्वायरमेंट है बता दे। हाँ जी, अप्रूवल और साइनिंग के अलावा, अप्रूवल और साइनिंग हमने डिस्कस कर लिया। शाबाश शाबाश। विद इन इसका पहले बताओ पीरियड कितना कवर करेगी सेकंड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट? 6 मंथ्स। शाबाश। और कब डिस्पैच करनी होगी? विद इन 60 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ सेकंड क्वार्टर। ठीक है, और इसका क्या करना, इसकी ऑडिट करवाया जाएगा? ऑडिट नहीं करवाया जाएगा, इसका लिमिटेड रिव्यू करवाया जाएगा। अच्छा, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिटरमिन करेगा और कौन अप्रूव करेगा? आई कैप डिटरमिन करेगा, आई कैप। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड कंपनी शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड टू किसको? कमीशन को? यस। रजिस्ट्रार को भी और सिक्योरिटीज एक्सचेंज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। 13 की करेक्ट ऑप्शन डी। 14, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी हैव डिसाइडेड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने कहा कि हमने किसी दूसरी प्लेस में रखनी है। कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती क्या है जो दूसरी प्लेस में रखनी है बताएं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? सेल परचेजेस, एसेट्स लायबिलिटीज, कैश रिसीव्ड एंड पेड अलोंग विद पर्टिकुलर्स और आइटम्स ऑफ कॉस्ट काउंट इफ कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग माइनिंग एक्टिविटीज। शाबाश, ठीक है। तो अब उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी दूसरी जगह पे रखना चाह रहे हैं। इन दिस केस दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल ए नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फुल एड्रेस ऑफ दैट प्लेस विद इन 7 डेज ऑफ सेशन। अच्छा, हमारे लॉ में 7 डेज और कहां कहां डिस्कस हुआ है? और कहां कहां डिस्कस हुआ है? 7 डेज। 7 डेज मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग में, कि अगर किसी ने मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग को इंस्पेक्ट करना है तो उसके 7 दिन के बाद आना पड़ेगा, और अगर उसकी कॉपी लेनी है तो भी एप्लीकेशन के बाद विद इन 7 डेज कॉपी मिलेगी। अच्छा, फीस देनी पड़ेगी कि नहीं? कॉपी के लिए हमेशा फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, जनरल मीटिंग के मिनट सिर्फ मेंबर्स देख सकते हैं कि कोई और भी देख सकते हैं? थर्ड पार्टी नहीं देख सकते? अच्छा चले, 7 डेज एक तो यहाँ पे हो गया मिनट्स वाले कंसर्ट में, नहीं वीडियो लिंक के 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर बताना पड़ेगा ठीक, मीटिंग से 7 डेज पहले बताना पड़ेगा। किन किन लोगों को बताना पड़ेगा? कौन कौन भैया आप? हाँ, देख आखिरी सभा निकाला हुआ मैंने, देख लिया अब। मेरा भाई बताया मुझे, उसे पता ना आगे सारे 7 डेज वाले पूछने हैं, लेकिन मैं आगे फौरन 15 वाला पूछ लूंगा, बेफिक्र हो। एक कंपनी का शेयर होल्डर, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि उनके शहर में, उनके शहर में, अच्छा लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर ये चाह रहे हैं कि उनके शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 10% कैपिटल होना चाहिए और मीटिंग से कितने दिन पहले नोटिस कंपनी को सबमिट करवाना? 7 दिन पहले। शाबाश, 7 दिन ये हो गया। अच्छा, एक वो कोई इलेक्शन से पहले भी 7 दिन वाली बात है, डायरेक्टर इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट। अच्छा, तो ये भी तो उसमें था कि अगर कोई डायरेक्टर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो 7 दिन पहले पहले विड्रॉ कर सकता है वो, एनी टाइम बिफोर। बिल्कुल ठीक है, चले 7 डेज वाला कंसेप्ट तो मेरा क्लियर पक्का हो गया। इसके और कहां पे था 7 डेज? हाँ, वो ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर एससीसी पे, जब वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होती है तो उसका ऑर्डर जो होता है
रजिस्ट्रार को कमीशन भेजता है 7 डेज में। कमीशन कंपनी और रजिस्ट्रार दोनों को ऑर्डर भेजता है विद इन 7 डेज। फिर उसके बाद कंपनी ने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को ऑर्डर सबमिट कराना होता है। इस 30 डेज में वो शुरू वाले 7 दिन शामिल होते हैं कि नहीं? शामिल होते हैं, यानी इफेक्टिवली 23 दिन होते हैं। इफेक्टिवली 23 दिन होते हैं, नहीं नहीं वो ऑर्डर से 30 दिन, जाके पढ़ ले देख ले, ऑर्डर से 30 दिन कहता है वो, ऑर्डर से 30 दिन। 7-7 हो गए, 7-7 वाले कंसेप्ट हो गए। अब कंसेप्ट रह गए हमारे 14 डेज वाले। अच्छा, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन हो, इसकी रेजोल्यूशन पास हुई, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन की स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, रजिस्ट्रार को कितने दिनों में कम्युनिकेट करना है? 14 डेज या 15 डेज? अल्टरेशन कितने दिन बाद? 15 डेज। शाबाश। और अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी कब सबमिट करवानी? वो 14 डेज है। 30 डेज में क्या करवाना होता है? अल्टर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अल्टर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी वो 30 डेज में जमा करवानी होती है। नोटिफाई करना है 15 डेज में, कॉपी सबमिट करवानी है 30 डेज। ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंस, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 7 डेज ऑफ सच डिसीजन कम्युनिकेट करना। कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स बोर्ड एंड डायरेक्टर्स बोर्ड शैल बी सेंड टू एवरी मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। हर शेयर, हर मेंबर को, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट हो, किसको? सिर्फ पब्लिक कंपनी के मेंबर्स को। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर मेंबर का राइट है ना, तो हर मेंबर को भेजे जाएगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, मेंबर के अलावा भी कुछ लोगों को जाएगी? हाँ जी। लॉ की तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, आ गया क्लास में आने से पहले बड़ी अच्छी थी। जी बताइए, ये मेरा भाई बताएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकल्ला फाइनेंशियल स्टेट, देखे असल में प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सेंड की जाती है नोटिस के साथ। एग्रीड? नोटिस के साथ सेंड की जाएगी। और दो कंसेप्ट है नोटिस के हवाले से हमारे सिलेबस में, दो बड़े कंसेप्ट। एक यह है कि नोटिस किस किस को सेंड किया जाएगा, और दूसरा कंसेप्ट है नोटिस के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट अटैच की जाएगी, इंक्लूड की जाएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ बता दे, बता, नहीं नहीं बता, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, कोई रिवीजन करनी है ना, हमारे कोई भी रिवीजन करवा दे हमारी। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था कि नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटैच किया जाता, नोटिस भेजा किस किस को जाएगा? एक मिनट है, ऑडिटर को भेजा जाएगा, एवरी मेंबर, डायरेक्टर, ऑफिशियल असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शाबाश। और उस नोटिस में इंफॉर्मेशन, उस नोटिस के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी अटैच होगी और इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होगी? ये आपको याद है, इकरा इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन भी किया था। हाँ जी, और ये आईकैप ने 2 दफा इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये रिसेंट अटेम्प्ट्स में से। तो उस एजीएम, सॉरी जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स? पहले तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वो लगेंगी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश। और उसके प्रॉक्सी फॉर्म, प्रॉक्सी, उस नोटिस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? डेट, प्लेस, टाइम, नेचर ऑफ बिजनेस, अगर स्पेशल बिजनेस है
तो नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी? स्पेशल बिजनेस है, नोटिस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी? ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स, डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, ये इंक्लूड किया जाएगा। और अगर ये तो उस वक्त जब स्पेशल, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो इस नोटिस को कहां पे पब्लिश करवाया जाएगा? वन उर्दू एंड वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन। भूल गए हैं सारी चीजें आप, कहा था उस दिन? नहीं, मुझे नहीं आता। सेंड टू एवरी मेंबर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर। अभी है और क्वेश्चंस हैं, और कंसेप्ट, और क्वेश्चंस का मतलब और कंसेप्ट्स और वीएंस। मजीद रे 16 एबीसी लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी एंड प्रिपेयर इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर ऑन 30 जून। ठीक है, लिस्टेड कंपनी हर साल 30। इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31st December 2021 बाय 30th January, 31st January, 60 days क्वार्टर एंडिंग। हाँ जी, तो 60 डेज के बाद है कि आफ्टर 60 डेज है, विद इन 60 डेज है, विद इन 60 डेज है ना, तो विद इन 60 डेज का 31, 28, 1 मार्च, 1st मार्च, फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसको एक्सटेंशन मिल सकती है? हाँ, शाबाश, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती सिर्फ एक केस में। फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिलेगी अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन ली गई हो। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? 30 डेज के नहीं। अब यहां पे देखिए, एग्जामिनर इसको गलत करता है, वो कहता है 30 डेज की एक्सटेंशन कहना गलत है, अप टू 30 डेज, यानी कि रजिस्ट्रार 30 डेज का मतलब है हमेशा 30 डेज की एक्सटेंशन मिलेगी। अप टू 30 डेज का मतलब है रजिस्ट्रार चाहे 7 डेज 21 डेज की एक्सटेंशन भी दे सकता है। ठीक है, तो कौन देगा एक्सटेंशन? गलत, लिस्टेड कंपनी के केस में ये भी गलत, लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन और अनलिस्टेड के केस में रजिस्ट्रार। क्लियर, एक्सटेंशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक्सटेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में मिल सकती है ना। अच्छा, एक्सटेंशन किसी और चीज के लिए भी मिल सकती है, एक्सटेंशन किसी और एनुअल रिटर्न के लिए भी एक्सटेंशन मिल सकती है 15 दिन की, वो हमेशा रजिस्ट्रार ही देगा, लिस्टेड कंपनी को देगा। और भी एक्सटेंशन थी कि ऑर्डर कोई कमीशन ना जमा करवाया नल एंड वाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह की एक्सटेंशन थी। वो शायद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करने में थी के 90 डेज में था कुछ। हाँ, 90 डेज वाली कोई बात थी ना, 90 डेज नहीं, उसमें नाम के लिए अप्लाई करता है, नाम की रिजर्वेशन हो जाती है 60 डेज के लिए, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन क्या हमने ये स्टडी किया था कि जो कमीशन का ऑर्डर मिलेगा कंपनी को, वो कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना है, वरना प्रोसेस नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 90 डेज गुजर जाए तो इसकी एक्सटेंशन ली जा सकती है कमीशन से, ये हमने पढ़ा नहीं था? अभी जाके देखे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में एक्सटेंशन वाली बात है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, एक्सटेंशन दे, एक्सटेंशन वाली बात भूल गए। सेवन, असल में होता क्या है, मैं ये इसलिए एक्सरसाइज करवा रहा हूँ रिवीजन की, एक तो हमारे पास टाइम खुला है, पूरा महीना पड़ा है और एक चैप्टर है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ये जल्दी खत्म ना हो, जल्दी खत्म, फिर भी खत्म हो ही जाना है, आखिर कितने को कोशिश कर लूंगा मैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एज स्टूडेंट होता ही है कि जब हम कोई एक चैप्टर कंप्लीट, जब चैप्टर 7 पे पहुंचते हैं ना, तो उस वक्त हमारे दिमाग में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के कंसेप्ट नहीं होते, सिर्फ चैप्टर 7 के होते हैं, ताज़ा ताज़ा कंसेप्ट होते हैं। तो जब उसके क्वेश्चन और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे धड़ाधड़ होते रहते हैं, इससे हमें एक फॉल्स परसेप्शन ये मिलता है कि शायद हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि चैप्टर 1 में भी इसी तरह हुआ होता है, चैप्टर 2 में भी इसी तरह होता है, चैप्टर 3 में भी इसी तरह होता है, एग्जाम में जाकर लेकिन इस तरह नहीं होता। उसकी रीजन क्या है? एग्जाम में सारे चैप्टर इकट्ठे आने हैं,
तो मैं ये चाहता हूँ आप ये प्रिपरेशन करते हुए, रिवीजन करते हुए इस चीज़ की आदत डालें कि जब आप चैप्टर वन का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके साथ कोई कंसेप्ट ऐसा जो किसी दूसरे चैप्टर में डिस्कस हुआ है उसको भी साथ साथ रिवाइज कर लें। मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल चैप्टर्स को एक सिटिंग में प्रैक्टिस करने की, रिवीजन करने की आदत डालें। असल में मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, ठीक है? ईद के बाद, ईद से पहले भी हो सकती है, ईद से पहले, वरना फिर आपने कहना सर मैंने तो बताया नहीं थी कौन सी ईद के बाद, तो इससे पहले भी है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अभी से याद आया, अभी कंसेप्ट बाकी हैं और दो तीन। हाँ जी, 17, तो 16 का पता चल गया, 1st मार्च, 17, वेयर द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन कर दें। फाइनेंशियल पढ़ा हुआ हमने, डेफिनेशन भी पढ़ी हमने, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल डिफाइन कर, पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर, आगे भी था वेदर, वेदर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और नॉट, इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है, हा? अच्छा, कम या ज्यादा में से एक केस में रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। ज्यादा के केस में अगर फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से ज्यादा हो तो रजिस्ट्रार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, कम हो उस रोज में नहीं लेने, बट ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 12 महीने से कम का कब होता है? इनकॉर्पोरेशन पहली वाली, और ज्यादा का कब होता है? जब वो फाइनेंशियल ईयर चेंज किया जाता है। शाबाश। तो वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए सब्सिडरी प्रीसीड्स, प्रीसीड का मतलब क्या होता है? कम्स बिफोर, पहले, जब सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर पहले आ जाए, दे ऑन विच होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड, जब सब्सिडरी का फाइनेंशियल ईयर एंड पहले आ जाए होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर से, ये कहना, क्या कहना चाह रहा है? जब सब्सिडियरी का फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले, कितना पहले? बाय मोर देन 90 डेज, सच सब्सिडियरी शैल मेक इंटरिम क्लोजिंग ऑन द डे ऑन विच होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी फॉर कंसोलिडेशन, कितने दिन? 90 डेज से अगर ज्यादा हो। अच्छा, अगर कम हो तो फिर क्या होता है? फिर सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी कमीशन को अप्लाई करेगी, रिलैक्सेशन दे देगी, यानी जो भी अप्लाई करेगी कमीशन एक्सटेंड कर देगा फाइनेंशियल एंड को, फैसिलिटेट करेगा। क्लियर? अच्छा, इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी बनाएगी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, इसको सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट करेगा कि नहीं? नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर सब्सिडरी कंपनी लिस्टेड है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को, कमीशन को सबमिट करवाई जाएंगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ होल्डिंग को, शाबा, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कंसोलिडेशन पर्पस। 90 डेज से अगर एक्सीड कर रहा हो फिर इंटरिम क्लोजिंग कर, नहीं बाद में आ जाए, फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो पहले ही आ रहा, क्योंकि हमने उसके बैकवर्ड से कैलकुलेशन करनी है ना। एबीसी लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड देयर फाइनेंशियल ईयर डू नॉट कोइंसाइड, मैच नहीं करते, इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर द एप्लीकेशन टू द कमीशन मे बी मेड बाय, फाइनेंशियल ईयर की एक्सटेंशन करनी है, एप्लीकेशन किसको भेजे, कौन भेजेगा? एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड, या दोनों? कोई भी, इधर एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड। 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सी। अच्छा, ये एबीसी लिमिटेड लिस्टेड है कि अनलिस्टेड? हो, दोनों हो सकती हैं, पब्लिक है कि प्राइवेट? पब्लिक है, शाबाश, ठीक है। अगर ये एबीसी लिमिटेड का ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है 200 मिलियन और ये जनरल पब्लिक को 80 मिलियन मजीद शेयर इशू करना चाहती है, इसे अपने आर्टिकल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम में क्या चेंज करना पड़ेगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल और आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स में कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो नहीं करने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसने अपने आर्टिकल्स में चेंज करनी होती है, ये तो पहले ही पब्लिक है, आप ही को पकड़ना था जी। 19, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। 19, XYZ Limited financial year ended on 30th June 2019 and AGM was planned on 28 October 2019 but was not held. अच्छा, 30 जून को ईयर एंड है और 28 अक्टूबर को AGM,
क्या 28 अक्टूबर को एजीएम जो कंडक्ट करवा सकते हैं, ये वायलेशन तो नहीं हो जाएगी? हाँ, करवा सकते, 120 28 अक्टूबर ही बनता मेरा ख्याल। बट वॉज नॉट हेल्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ एनुअल रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन एजीएम, नहीं तो ये रेंड भी होना चाहिए, ठीक है, ये रेंड 31 दिसंबर कब 2019 एंड मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज बाय 30 जनवरी 2020। क्लियर? डी ऑप्शन करेक्ट इसमें। 20 XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड डेफिनेशन। ये भाईजान, हाँ जी आप बताइए, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन? नहीं नहीं अभी चल भाई, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर दीजिए, विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। अच्छा, हालांकि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, प्राइवेट कंपनी तो लाने सीधी सीधी डिफाइन किया है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भूल गए ना, भूल गए, मैं कहा था भूल जाएंगे आप, नहीं माने उस दिन। प्राइवेट पहले चैप्टर की डेफिनेशन नहीं याद भैया, घर में क्या क्या है, मैं सीए करने जा रहा हूँ, हैं सीए करना है, इधर आके मैसेज कर। अच्छा मैसेज, मैं बकरों का रेट चेक कर रहा हूँ। हाँ भाई शरीफ आदमी है ये, मेरी इज्जत रखेगा, शाबाश। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, हाँ, विच लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक, टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, और प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। शाबाश, बिल्कुल, ये ऐसी ही प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा है, ऐसी ही जैसी आपने बताया। XYZ Private Limited has paid up capital of rupees 2 million only. Paid up capital है 2 million. इसको authorized capital है 5 million. Paid up 2 million. मजीद 1 million issue करना है. क्या process? Process क्या होगा? Board of Directors की approval होगी. बिल्कुल ठीक. ठीक. Which of the following is correct if there is no change in particulars of annual return last filed with the registrar? कहता है मैं तो annual return में से question पूछ रहा हूँ. बताओ जब चेंज फॉर्म सी जमा करवाएगी, हाँ फॉर्म सी जमा करवाएगी, है हाँ एक्सेप्शन है, तो इसने फॉर्म सी भी सबमिट नहीं कर, एक्सेप्शन थी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए, और ऐसी प्राइवेट कंपनी इसका पेड अप कैपिटल अप टू 3 मिलियन है, तो चूंकि और इसके पर्टिकुलर में चेंज नहीं है, ए और बी तो इसने सबमिट करवाना ही नहीं है क्योंकि चेंज नहीं है, फॉर्म सी भी नहीं सबमिट करवाना, क्यों? एक्सेप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, इट शुड फाइल एनुअल, इट नीड नॉट फाइल एनुअल रिटर्न ऑन एनी अदर फॉर्म, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा मुझे याद आया, यहाँ पे वो फॉर्म ए फॉर्म बी फॉर्म सी की बात करता है, हमारे सिलेबस में कहीं पे उसने टेबल ए टेबल, देखा है सोच हमारी मिलना शुरू हो गई है ना, आप भी ऐसे सोचना शुरू हो गया ना जैसे मैं सोचना, टेबल ए टेबल बी टेबल सी, ये टेबल ए में क्या डिस्कस हुआ था? आर्टिकल्स किस कंपनी का, किस कंपनी के आर्टिकल, लिमिट लिस्टेड के नहीं है, लिमिटेड बाय शेयर, और टेबल बी में क्या हुआ, मेमोरेंडम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, और सी में, अच्छा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कौन सा टेबल, टेबल है, शाबाश, चले ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए एमसीक्यूज, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर में। ये तो अभी उस दिन वाला जो 10 मिनट आपने कहा था, नहीं सर कर, ये तो उस दिन वाला अभी हुआ है, आज का लेक्चर तो अभी रहता है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक, कोई बात है, अच्छा चलिए ठीक है, बट ठीक है, हाँ जी चलिए बाकी कल करेंगे, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।